हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दिस चैनल सो इन प्रीवियस वीडियो हमने देखा कि हम कैसे ब्रांचेस को क्रिएट मर्ज एंड देन डिलीट कर सकते हैं यूजिंग कमांड्स राइट और अब आज के सेशन में हम देखेंगे गिट टैग्स के बारे में सो so, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वोट आर टैग्स टैग्स हमें क्यों क्रिएट करना चाहिए कब क्रिएट करना चाहिए और फिर हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट शो

क्योंकि so हम हमें हमारे प्रोजेक्ट या रिपोजिटरी के लिए हिस्ट्री पॉइंट को मार्क करना हो नाउ जब भी हमें रिलीज पॉइंट क्रिएट करना हो हमारे प्रोजेक्ट या रिपोर्टिट्री के लिए हमारे प्रोजेक्ट या रिपोजिटरी के स्टेबल वर्जन के लिए या जब भी हमें हिस्टोरिक पॉइंट क्रिएट करना हो जो फ्यूचर में किसी पॉइंट में रेफरेंस्ड हो हम टैग्स को क्रिएट कर सकते हैं सो नाउ चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हम टैग्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं सो so ये है हमारा गिट बेस एंड यहाँ सबसे पहले हमें वो ब्रांच में चेकआउट करना होगा जहाँ हमें हमारे टैग को क्रिएट करना है सो so, मैं यहाँ कहूंगा गिट चेक आउट एंड द ब्रांच नेम सो मैं यहाँ कहूंगा मास्टर एंड यहा मैं ऑलरेडी मास्टर ब्रांच में ही हूं सो so, अभी चलिए क्रिएट करते हैं टैग सो so, मैं यहाँ एक कमांड रन करूंगा गिट टेग एंड देन टैग नेम सो मैं यहाँ कहूंगा वी वन पॉइंट जीरो नाउ मैं यहाँ कहूंगा गिट टेग सो यहाँ आप देख सकते हो टेग इज नाउ क्रिएटेड सो ऐसे हम टेक्स को क्रिएट कर सकते हैं लोकली नाउ हम एनोटेटेड टेक्स भी क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग ऑप्शन ए सो हम यहाँ कहेंगे गिट टेग माइनस ए और यहां टेक नेम सो मैं यहाँ आप कहूंगा

मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और ये ट्रिगर ये ट्रिगर करने वाले की इंफॉर्मेशन भी कंटेन करता है सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट टैग्स अब हम देखेंगे हाउ टू डिस्प्ले और शो टैग्स सो यहां हम टाइप करेंगे गिट शो एंड देन टेग नेम सो आप देख सकते हो ये हमें इस पर्टिकुलर टैग की डिटेल शो कर रहा है और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा पुश टू रिमोट में सो हमारे गिटलेब अकाउंट आप देख सकते हो यहाँ अभी एक भी टैग नहीं है क्योंकि हमने अभी तक हमारे टैग्स को पुश नहीं किया हमारी रिमोट रिपोजिटरी में राइट सो लेट्स गो टू अवर टर्मिनल नाउ यहां हमें कहना होगा गिट पुश ओरिजिन v1.0 बट यह सिर्फ इस पर्टिकुलर टैग को पुश करेगा राइट सो so हमारे सारे टैग्स को पुश करने के लिए मैं यहां सिंपली कहूंगा गिट पुश माइनस माइनस और हाइफन हाइफन टैग्स नाउ यह हमारे सारे टैग्स को हमारी रिमोट रिपोजिटरी में पुश कर देगा सो so, चलते हैं हमारे गिटलेव अकाउंट में और चेक करते हैं यहां आप देख सकते हो चेंजेस सो so, हमारे टैग्स ऐड हो चुके हैं सक्सेसफुली, नाउ अगर हमें हमारे टैग्स को डिलीट करना हो तो हमें यहां कमांड रन करना होगा गिट टैग माइनस डी वी 1.0 तो ये हमारे टैग v1.0 को डिलीट कर देगा अब अगर मैं कहूँ गिट टैग तो आप देख सकते हो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही टैग है विच इज v1.1 चलिए अब इस टैग को भी डिलीट करते हैं सो तो मैं यहाँ सिंपली v1.0 की जगह v1.1 टाइप कर दूँगा एंड अगेन अगर मैं कहूँ git tag आप देख सकते हो नाउ देयर इज नाउ देयर आर नो टैग्स बट हमारे ये दोनों टैग्स अभी भी रिमोट रिपोजिटरी में मौजूद है सो so, हमें अभी हमारे टैग्स को रिमोट रिपोजिटरी में से भी डिलीट करना होगा तो अब डिलीट करने के लिए मैं यहाँ कमांड रन करूंगा वो है git push origin -d v 1.0 space v 1.2 तो ये हमारे दोनों टैग्स को रिमोट रिपोजिटरी में से भी डिलीट कर देगा सो so, यहाँ आप देख सकते हो अभी यहाँ एक भी टैग नहीं है हमारे रिमोट रिपोजिटरी में सो दिस इज हाउ वी कैन डिलीट टैग्स चलिए अब देखते हैं हमने एग्जेक्टली exactly आज किया क्या है सो so फर्स्ट हमने मास्टर ब्रांच में चेकआउट किया जब भी हम कुछ चेंजेस करते हैं हम कमिट करते हैं राइट सो ये सर्कल हमारे कमिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है सो so, हमने कमिट किया एट पॉइंट वन सो हम फिर से कुछ चेंजेस करेंगे और कमिट करेंगे सो ये रहेगा हमारा पॉइंट टू एंड फिर कमिट पॉइंट थ्री एंड कमिट पॉइंट थ्री पर मुझे ऐसा लगा कि हमारा कोड अब स्टेबल है और हमें बैकअप लेना चाहिए सो so, या बैकअप लेना चाहिए या हिस्टोरिक पॉइंट क्रिएट करना चाहिए इस पर्टिकुलर लोकेशन पे सो so, और हमें यहाँ इसे कहेंगे v1.0 एंड देन हम इसे पुश करेंगे सो so, ये एक हिस्टोरिक पॉइंट क्रिएट करेगा एंड देन हमें इसे पुश कर सकते हैं रिमोट सर्वर पे सो so ये एक हिस्टोरिक पॉइंट क्रिएट करेगा इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे बट हम अभी भी चेंजेस कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट में सो so हम यहाँ कमिट नंबर फोर करेंगे अब फिर कमिट नंबर फाइव एंड अगेन मुझे यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे टैग्स क्रिएट करना है सो so मैं कहूँगा इसे टैग वी 1.1. अभी हर commit point का एक यूनिक नंबर होता है और उसे कहते हैं। So चलिए देखते हैं इसे सो so, यहाँ अगर मैं कहूं गेट log, आप यहाँ देखेंगे हमारे हर कमिट के फोर्टी डिजिट नंबर होते हैं So जिसे चेकसम नंबर कहते हैं एंड यहाँ ये एस एच वन अलगोरिदम से क्रिएट होता है राइट सो जब भी आप कुछ चेंजेस करें और कमिट करें हमें फिर से कुछ यूनिक नंबर मिलेगा नाउ एसेंशियली दिस पर्टिकुलर कमिट एंड वी वन पॉइंट जीरो ये हमारी डिपोजिटरी के साथ सेम स्टेट से रेफर होता है एंड दिस इज हाउ कमिटिंग एंड टेगिंग वर्क एंड इन रियल लाइफ शायद आपके पास बहुत सारे ब्रांचेस हो सकते हैं फिर आप चेकआउट करेंगे और फिर मर्ज करेंगे और फिर टैगिंग सो so, ये डायग्राम थोड़ा थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है पर ये एग्जैक्ट प्रोसेस है जब भी आप कमिट और टैगिंग करते हैं गिट में, राइट सो टुडे वी लर्न वोट आर टैग्स और रिलीजेस, वाई शुड वी क्रिएट टैग्स वेन टू क्रिएट टैग्स एंड शो हाउ टू क्रिएट शो पब्लिश एंड डिलीट सो आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा हो और आप इंजॉय कर रहे हो इस सीरीज को अगर आपको कोई भी डाउट हो या क्वेश्चन हो फील फ्री टू आस्क इन दमेंट सेक्शन मिलाओ आई विल आंसर यू एज सुन एज आई कैन सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय एंड है नाइस डे